ओम शांति। 25 मई 2023, साकार मुरली। मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न: हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? उत्तर: सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताए परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना इनकी इंसल्ट करना है। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों के बहुत सर्विस कर सकते हो। तीर्थ यात्री वैसे तो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भावना वाले होते हैं, तो ऐसों को बाबा कहते हैं जल्दी तीर लग सके। गीत है: जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं, बाकी जिन्होंने गीत गाया वह इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। न उन्हों के साथ भगवान है, न उन्हों को ये पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप ने ही आकर बच्चों को सम्मुख में अपना परिचय दिया है, वही बाप अब सम्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो। तुम ही तूफानों को समझते हो, वो लोग तो कैलेमिटीज आदि को तूफान समझ लेते हैं। ये तो 5 विकार रूपी माया के तूफान आते हैं। पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करने से ही तूफान उड़ जाते हैं। बादशाह का बच्चा होगा, उनको ये निश्चय होगा कि हमारा बाबा बादशाह है, इस बादशाही का मैं मालिक हूं। नशा रहता है। तुम बच्चों में भी कोई कोई को ऐसा पक्का निश्चय है और बाप को अपना बनाया है। अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं है, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं, इसलिए माया के तूफान हैरान करते हैं और फिर बाप को ही छोड़ देते हैं। दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम बच्चे असल में शिवालय के रहने वाले थे, अब वैश्यालय है। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए हैं। मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जिससे उन्हों को बंदर से भी बदतर बनाया है? ये कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखो, तुम पहले क्या थे, अब बाप तुमको लायक बनाते हैं। परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया उनको नालायक बना देती है। बाप श्रीमत देते हैं, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब बलि चढ़ा दो, फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे। तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है। राजस्थान के तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते हैं तो गोद लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है, हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है कि हम करोड़पति के बच्चे हैं। इस ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है। तुम जानते हो कि इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलने से नहीं बनेंगे। भगवान कहते हैं, तुमको तो कोई किस्म की परवाह ही नहीं, रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए कि हमको बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्षा देते हैं। हम बाबा की संतान बने हैं। वास्तव में सब शिव बाबा की संतान है,
परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने के लिए आए हैं। बन रहे हैं ना सभी स्वर्ग के लायक, उसी के लिए मत देते हैं कि बच्चे किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। डबल अंडरलाइन, एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रखना है, उनका नाम रूप ही मनुष्यों से न्यारा है। बाप कहते हैं तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे, क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा शांति धाम अथवा निर्वाण धाम की रहने वाली है। हमारा स्वधर्म शांति है, ये शरीर ऑर्गन्स है कर्म करने के लिए, नहीं तो पार्ट कैसे बजाएंगे। हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी है, जानते हैं ना सभी। कहे हाँ जी बाबा, बाबा ने बताया फिर तो क्लियर हो गया, पहले तो बिल्कुल नहीं जानते थे। ये सब बातें मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े ही जानेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है तो खुद को भी भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। कहते हैं क्राइस्ट को, इब्राहिम को परमपिता परमात्मा ने भेजा, तो जरूर कोई बाप है भेजने वाला। तो तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार हर एक आता रहता है, भेजने करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस समय मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है, न बाप को न अपने को न रचना को जानते हैं। मैं आत्मा हूं, ये शरीर अलग है, हम आत्मा वहां से आए हैं, ये सब बातें बाबा ही याद दिलाते हैं। और बाप कहते हैं सभी को याद दिलाओ, तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ है, शिव का चित्र भी है, ये बाबा ये लक्ष्मी नारायण है वर्षा लिखा हुआ है। परमपिता परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा लो। तुम नर से नारायण बनने के स्टूडेंट हो, वह साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते होंगे, परंतु हमारे आगे तो वह कुछ भी नहीं है। अल्पकाल के सुख लिए मेहनत करते हैं, तुम बच्चे सदा सुख पाते हो, ये भी तुम कह सकते हो। कहाँ भी जाओ, हाथ में निमंत्रण पत्र हो, बोलो ये सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे वर्षा कैसे मिलता है सो लिखा हुआ है। ये निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो, बड़े बड़े को निमंत्रण मिल जाएगा। ये एरोप्लेन विनाश के लिए भी है तो तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। ये काम गरीब तो कर न सके, परंतु बाप है ही गरीब निवास, गरीब ही वर्षा पाते हैं। साहूकार तो ममत्व में फंसे हुए हैं, सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। कन्याओं माताओं का इस समय ही भाग्य उदय होता है। बाप कहते हैं इन माताओं द्वारा ही भारत का और साधु संत विद्वानों का उद्धार करना है, आगे चलकर वह सब आएंगे। अभी वो लोग समझते हैं हमारा जैसा कोई है नहीं, वह ये नहीं जानते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप ने राजयोग सिखाया है। उन्हों का हठ योग कर्म संन्यास अलग है, भगवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना, तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा भक्ति में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार से साथ में रखते थे, श्री कृष्ण के चित्र को देख बहुत खुश होते थे। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो सर्विस में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है, कहें हाँ जी बाबा। वर्षा है डीटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी, अर्थात सत्योगी दैवी राजधानी, ऊपर शिव बाबा नीचे लक्ष्मी नारायण, कितना सहज है समझाना। तो सबको निमंत्रण देना है,
बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलना है। जहां बहुत लोग जाते हैं वहां ये पर्चे जरूर फेंकने चाहिए। कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर कोई कहे तो हम सिद्ध कर समझाएंगे कि बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो। बाप कहते हैं, देखो ये मेरी इंसल्ट करते हो, मैं स्वर्ग का मालिक बनाता, मुझे फिर भीतर ठिक्कर में डाल दिया है। अब तुम्हें श्रीमत मिलती है कि ये पर्चे खूब बांटो। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता है, वहां जाकर बांटो। इसमें लिखा हुआ है, यज्ञ तप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, परंतु समझाने वाला सेंसिबल चाहिए। समझाना चाहिए वह है गॉड फादर। फिर भगवान, ईश्वर, परमात्मा कहने से पिता अक्षर नहीं आता, गॉड फादर कहने से पिता अक्षर आता है। हम सभी एक फादर के बच्चे ठहरे। परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्या परमात्मा पतित हो गया? वह तो है ऊंचे ते ऊंचा, है ना, वो सर्वव्यापी है, ना वो पतित होता। उनका यादगार मंदिर भी है। तो बच्चों को युक्ति से सर्विस करने का शौक चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो। वह है जिस्मानी यात्रा, तुम हो रूहानी यात्री। समझाना चाहिए तुम कहाँ जाते हो। शंकर पार्वती तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, यहाँ वह कहाँ से आए? ये सब है भक्ति मार्ग। तो ऐसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बिचारे बहुत धक्के खाते रहते हैं तो उन पर तरस पड़ता है। उनको बोलो तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सर्विस तो बहुत है, बच्चों को खड़ा होना चाहिए। बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने, फिर भी माया नाक से पकड़ एकदम मुंह फिरा देती है। इसलिए माया से बहुत खबरदार रहना है। अभी तुम बच्चे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो। दुनिया को थोड़े ही मालूम है कि बाप सम्मुख आए हैं। सब आत्माओं की ज्योत बुझी हुई है, एकदम बुझ नहीं जाती, थोड़ी लाइट रहती है। फिर बाबा आकर ज्ञान घृत डालते हैं। जब कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं। यहाँ योग से आत्मा की ज्योत जगाई जाती है, ज्ञान की धारणा करते रहते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। वह निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं, नीचे गिरते ही जाते हैं। सिवाय योगेश्वर के और कोई योग सिखला न सके। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, वह है निराकार। बाप कहते हैं, तुमको अब योग सिखला रहा हूं। अब तुम्हारा 84 का पाठ पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के 60, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। भारत ही हेवन था, गॉड गॉडेस का राज्य था। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। गाली भी तुमको खानी पड़ती है। बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? सितम सहन करेंगे, ये भी ड्रामा में नोंद है। फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हूं। बन रहे ना सभी पारस बुद्धि? कहे हाँ जी बाबा। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए जो विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं, बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज्य लो। ऐसे मीठे मीठे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। रहा हुआ पापों का खाता यहाँ ही चुकतु करना है। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सजा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम हमारे बनकर फिर फारकती दे तुम ट्रेटर बन गए। तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिले दे सदा सलामत बच्चों को मात पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझना है कि हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे, अब यहाँ रहने में जरा भी मजा नहीं है। अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को ही याद करना है, वहां से फिर स्वर्गधाम में जाएंगे। ये यात्रा बड़ी वंडरफुल है, इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस विधि से तूफान हटा देने हैं। किया है ना बाबा से पक्का वायदा, मेरे तो एक शिव बाबा दूजा न कोई, से दिल से निभाना भी है। निभाते हैं ना सभी, कहें हाँ जी बाबा। आज का प्यारे मिठी बाबा का वरदान है, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। तो आज का सोमान, मैं ज्ञानी योगी तू आत्मा हूँ। विश्लेषण, जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा है, उनके हर कर्म स्वतः युक्तियुक्त होते हैं। युक्तियुक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। जो युक्तियुक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वह कर सकेगा। उनके संकल्प भी युक्तियुक्त होंगे, ऐसे नहीं ये करना नहीं चाहता था हो गया, सोचना नहीं चाहता था सोच लिया। राजयुक्त योगयुक्त की निशानी है ही युक्तियुक्त। स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति। आज रात्रि क्लास अवैतवाणी पर आधारित 8:45 बजे, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 5:45 बजे। ओम शांति।